गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड वन का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो जून का सिलेबस है। ठीक है, जून का सिलेबस है यूनिट 5, चैप्टर है सब्ट्रैक्शन अप टू 10। ये अप्रैल और मई का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। अब इस जून का जो सिलेबस है हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन अप टू 10। सबसे पहले समझो कि हाउ मेनी लेफ्ट। सब्ट्रैक्शन मींस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन टेकिंग अवे थिंग्स इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। टेकिंग अवे, कोई भी थिंग्स है उसमें से कुछ निकाल देना, और निकालने के बाद जो लेफ्ट बचता है वही सब्ट्रैक्शन कहलाता है, यानी लेफ्ट। वी यूज द सिंबल माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन एंड रिपीट माइनस। सब्ट्रैक्शन का ये सिंबल है, यानी ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है जिसको हम लोग माइनस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझो, आपके पास 4 आइसक्रीम है और उसमें से एक आइसक्रीम आप अपने फ्रेंड को दे दिए, कितने? 1। 4 आइसक्रीम है आपके पास, उसमें से एक आइसक्रीम अपने फ्रेंड को दे दिए, दोस्त को दे दिए, तो लेफ्ट आपके पास कितना बचेगा? 4 में से, इस 4 में से एक आइसक्रीम हम अपने फ्रेंड को दे दिए। जैसे एग्जांपल आप सुनो, ये आइसक्रीम है, ये 4 आइसक्रीम है। ठीक है, इसमें से 1 आइसक्रीम हम अपने फ्रेंड को दे दिए, यानी इसको हम हटा दिए एक आइसक्रीम। अब लेफ्ट हमारे पास कितना बचा? 1, 2, 3, यानी लेफ्ट जो बचता है मेरे पास रह जाता है वही लेफ्ट होता है, यही सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जांपल ले ले। मेरे पास 4 बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये 4 बॉल है मेरे पास, इस 4 में से 2 बॉल मैं अपने भाई को दे दिया या आप अपने भाई को दे दिए। आपके पास 4 बॉल है, आप अपने छोटे भाई को 2 बॉल दे दिए, यानी 2 बॉल हम क्या किए? दे दिए। तो अब तो ये 2 मेरे पास नहीं रहा, ठीक है, अब तो ये 2 बॉल मेरे पास नहीं रहा, तो लेफ्ट क्या बचा मेरे पास? जो बचा वही लेफ्ट होता है। ठीक है, हाउ मेनी लेफ्ट, कितना बचा काउंट कर लेंगे। 1, 2, आई हैव 2 बॉल्स, मेरे पास 2 बॉल बच गए, यही सब्ट्रैक्शन है, यही लेफ्ट है। इस पे और भी हम आगे बताएंगे, अभी स्टार्टिंग है। पहले इसका जो फंक्शन है, जो सब्ट्रैक्शन का फंडा है, जो बेसिक चीज है, वो आपको हम बता रहे हैं कि लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट कैसे बचता है। नेक्स्ट समझिए, आपके पास पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है,
फोर पेंसिल है, आपके पास ये फोर पेंसिल है, अब इसमें से थ्री पेंसिल काउंट करेंगे, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, आप अपने छोटे भाई को दे दिए, क्या किए, आपके पास फोर पेंसिल है, वन टू थ्री एंड फोर, लेकिन इसमें से तीन पेंसिल आप अपने छोटे भाई को दे दिए, तो जब दे दिए तो आपके पास कुछ तो बचा, लेफ्ट मींस बचना, हम इसको हटा ही देते हैं, हम दे दिए मींस हमारे पास ये अब नहीं रहा, ठीक है, अब हमारे पास पेंसिल नहीं रहा, मैंने तीन अपने छोटे भाई को दे दिया, लेफ्ट क्या बचा हमारे पास, वन पेंसिल, तो आपके पास लेफ्ट वन बचा, ठीक है, यानी इस तरह से हम इस लेफ्ट को समझें और आप जानो कि लेफ्ट क्या होता है, बचता क्या है, ठीक, इस तरह से अब ग्रुपिंग के बारे में भी आप समझ सकते हो, रीग्रुपिंग। टेकिंग अवे, जैसे मेरे पास कुछ फ्लावर है, फोर फ्लावर आई है, फोर फ्लावर यानी हमारे पास चार फ्लावर, ठीक है, अब इसमें से हम वन फ्लावर टेकिंग अवे करें, टेकिंग अवे यानी निकाल रहे हैं, वन फ्लावर क्या करेंगे, फोर टेकिंग अवे वन, ठीक है, यानी फोर टेक अवे, सॉरी टेकिंग नहीं लिखना है, टेक बोली किया, फोर टेक अवे वन, यानी फोर फ्लावर से वन हम हटा दिए, यानी एक फ्लावर को हम कैंसिल कर दिए, काट दिए, तो हमारे पास लेफ्ट क्या बचे, लेफ्ट फोर फ्लावर टेक अवे वन, चार फ्लावर में से एक फ्लावर को हम बाहर निकाल दें, तो लेफ्ट कितना बचेगा, वन टू थ्री, इसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो थ्री फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और भी आप एग्जांपल लो, जैसे मेरे पास कुछ ट्री है, ट्री ये ट्री है, काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, कितने ट्री है हमारे पास, फाइव ट्री है, ठीक है, फाइव टेक अवे, फाइव टेक अवे टू, लेफ्ट, लेफ्ट क्या बचे, यानी वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव से हम टू लेफ्ट अवे किए, यानी उसको बाहर निकाल दिए, तो हमारे पास लेफ्ट क्या बचा, वन टू थ्री, यानी लेफ्ट इसका हो जाएगा थ्री, ठीक है, तो इस तरह से आप इस माइनस का जो लेफ्ट कैसे बचता है वो आप समझे। अब इस पे क्वेश्चन हम पीडीएफ में दिए, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, उसमें जो प्रॉब्लम होगा फिर आप डाउट क्लास में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।